हेलो माय डियर एरीज, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो भी पर्सन है, चाहे आपका लव इंटरेस्ट हो, क्रश हो, करंट पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनके नज़र में आप कैसे इंसान हैं, वो आपको किस तरीके से व्यू करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपकी चर्चा लोगों के बीच में करते हैं, और आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, साथ साथ क्या बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, वो जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँगी ताकि वो इम्प्रूवमेंट आप करके ले आए अपने अंदर, और वो आपके तरफ और भी आकर्षित हो जाए, आपसे और भी प्यार करने लगे, आपकी और भी रिस्पेक्ट करने लगे। वेल, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपको लेकर, फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे हैं इनके नज़र में जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप सभी लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है, कभी भी और कोई भी देख सकते हैं, सोल है ये मैटर करता है। टू ऑफ एयर, देखिए आपके पर्सन का इंटेंशन जो है ना वो बुरा नहीं है, ये पर्सन एक बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते हैं जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे बात हो रही है कि ये आपको कैसा मानते हैं, तो आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा जैसे अ लव ऑफ लाइफ, अपने ज़िंदगी का एक सच्चा प्यार ये पर्सन आपको ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है खुद ही 9 of Water। आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि इनका सपना, इनका ड्रीम पूरा हो गया, आपने इनको कंप्लीट कर दिया, अ विश कम्स ट्रू की एनर्जी है, मतलब आपको देख कर ही, आपको पा कर ही इनको ये फील हुआ है कि इनकी सारी इच्छाएं, इनके सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। 999222 या 888 या 10 10 10 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। ओके, तो देखिए बात यहाँ पे यह है कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आप लोग अनएबल हो गए हैं, अनविलिंग हो गए टू मेक अ डिसीज़न, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे इस रिलेशन के लिए, ना आप ले पा रहे हो ना वो ले पा रहे हैं। इंटेंशन आपके तरफ से भी प्योर है, उनके तरफ से भी प्योर है, ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन बुरा है, इंटेंशन दोनों का प्योर दिखाई दे रहा है, लेकिन सिचुएशन अभी थोड़ा हार्ड है, उसको चलने दीजिए, फ्लो के साथ बढ़ते चले जाइए, सब ठीक हो जाएगा। वेल, आपके पर्सन को आप लगते हो बहुत ही ज़्यादा टेंडर हार्टेड, बहुत ही काइंड, बहुत ही एम्पैथेटिक, बहुत ही दयालु, बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक, जिसे कह सकते हैं कि दूसरे के सिचुएशन को समझने वाले, किसी के लाइफ में तकलीफ है उसको समझने वाले आप हो, तो समझदार है, इन शॉर्ट कह सकते हैं, जो कि अपने सिचुएशन को भी समझते हैं, हैंडल करते हैं, और दूसरे के भी सिचुएशन को समझकर आप हैंडल करते हो, ऐसा ये सोचते हैं। आपके अंदर पेशेंस भी है, पेशेंस की कमी नहीं लगती है, ठीक है, पहले लगता होगा, लेकिन अभी इनको पेशेंस की कमी अब आपके अंदर नहीं लगती है। आप इनको बहुत ही लविंग, केयरिंग, काइंड, क्यूट लगते हो, क्यूटेस्ट बहुत लगते होगे। रिलेशनशिप डेवलप्स टू अ न्यू लेवल, आपके पर्सन आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि अभी ये डिसीज़न नहीं ले रहे हैं तो मुझे छोड़ देंगे, क्या होगा मेरा, पर यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं आगे इन फ्यूचर न्यू रिलेशनशिप को न्यू लेवल पे लेकर जाने का, और अभी के टाइम में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। देखिए अगर देखी जाए कि ये क्या सोचते हैं, तो आप एक बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत ही लविंग पर्सन है, आपने इनका हर तरीके से ख्याल रखा है, केयर किया, ये सब भी इनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद 10 of Water, देखिए ये आपको हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल ही मानते हैं, ये आपके साथ शादी ही करना चाहते हैं, उनके नज़र में आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, उनके नज़र में आप फैमिली हो, उनके नज़र में आप ऐसे इंसान हो जो कि बहुत विश्वसनीय है, ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, और यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को कायम रखना चाहते हैं, ठीक है, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप आप ही के साथ क्रिएट करना चाहते हैं। 9 of Water यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, ठीक है, जो कि सभी को साथ लेकर चलने वाले इंसान हो, तो ये सारी चीज़ें आपके जो पर्सन है आपके अंदर नोटिस करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा दयालु और काइंड इंसान लगते होगे, ठीक है, और आपके जो पर्सन है ऐसा है कि कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, जैसा आपका बार बार ब्लेम लगाना, कभी ना कभी लड़ाई झगड़े में आप ब्लेम लगा देते हो, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ये इनको ये भी नहीं पसंद आएगा कि कभी आप शो ऑफ करें, ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनकी हो तो आप इनके ही बन के रहो, ठीक है, और ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला है, आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेगनेंस द डे वी फर्स्ट मेट, पहली मुलाकात हो चुकी है और जो फ्रेगनेंस आप यूज़ किए हो वो फ्रेगनेंस उनको आज भी याद है, ये कहना चाहते हैं अभी के टाइम में। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आपको, आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मैंने तुम्हारे बारे में ड्रीम देखा है,
सपना देखा है, ऐसा ये कह रहे हैं आपको, और ये कहना चाहती है कि तुम मेरे ड्रीम में आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कहना, यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी। आपके जो पर्सन है बड़े गुस्से में भी हो सकते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, जब मुझे कांटेक्ट कर ही नहीं पा रही हो या कर ही नहीं पा रहे हो, सो यू नीड टू मूव ऑन, तुम्हें मूव ऑन करने की ज़रूरत है और मुझे भूल जाओ। तो थोड़े गुस्से में भी है आपके पर्सन, ठीक है, लेकिन ये प्यार वाला ही गुस्सा है, फेयर फाइटिंग है। पर्सनल के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी, बुकिंग कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे जीमेल एनेस्ट आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनेस्ट आई डी का जनरल लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनलिंग बहुत आराम से बुक कर सकते हैं किसी भी कंट्री से। मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग खुश रहें। सो बाय, टेक केयर।